फिर आता है, अच्छा अब अगला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? वैकेटिंग ऑफ सीट, मतलब अब सीट खाली हो रही है, डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा, वैकेटिंग से तो राज्यसभा की सीट अपने आप चली जाती है। अगर तुमने 14 दिन में नहीं बताया कि सर आई एम विलिंग टू टेक द लोकसभा सीट, तो ठीक है, सर आई एम विलिंग टू टेक राज्यसभा सीट, ठीक है। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे चुनाव जीतने के 14 दिन के बाद राज्यसभा की सीट फिर से खाली हो जाएगी, मतलब तुम राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे। पहला, सीट खाली हो रही है। दूसरा ग्राउंड क्या था? डिस्क्वालिफिकेशन, अगर तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया तो सीट तो खाली हो ही रही है। तीसरा है रेजिग्नेशन, अगर तुम इस्तीफा दे रहे हो तो, अगर तुमने इस्तीफा दे दिया तो मतलब क्या, सीट खाली हो ही गई। पांचवा क्या है? एबसेंट, हमने तुम्हें बता दिया अगर 60 दिन एबसेंट हो गए। और अदर मीन्स क्या होते हैं? अब अदर मीन्स सुनो, अदर मीन्स में बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, जैसे कि तुम्हारे खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हो और वो अलग रूल्स हाउस में लिखे गए हैं, पागल हो गए, तुमने कुछ ऐसे पार्लियामेंट के जो तरीके थे उनके खिलाफ चले गए, इन सब में अदर तरीके से सीट जो अभी अपन ने पढ़े ना डिस्क्वालिफिकेशन, वही अदर्स में आ जाएंगे। मैं अपन को स्पीकर, अब स्पीकर को ध्यान से सुनो, स्पीकर हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उस घर के अंदर, लोकसभा के अंदर स्पीकर ही सर्वोपरि है, मेंबर्स चुनेंगे। लेकिन बेटा ये मेंबर्स हैं ही नहीं, ये तो अभी चुनाव जीत के आए हैं, मेंबर्स तब बनेंगे जब ये शपथ ले लेंगे। समय के लिए, उतने समय के लिए एक अस्थाई परमानेंट प्रोटेम एक स्पीकर बना दिया जाता है, प्रोटेम मतलब उतने ही समय के लिए, उसको राष्ट्रपति शपथ दिला देता है। तो वो एक व्यक्ति को दिलवा देता है, भैया आ जाओ शपथ ले लो, तुम हो प्रोटेम स्पीकर, अब तुम इनको दिलवाओ, ये चुनेंगे अपना स्पीकर, और जैसे जैसे स्पीकर चुन ले तुम अपने आप को, अब जहाँ जहाँ बैठे थे वहीं जाके बैठ जाना, समझ में आ रहा है? प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति ने चुन लिया उसको, अब ये भैया हाँ लो शपथ करो शुरू, अब तुम जैसे शपथ ले लोगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओगे, और जैसे तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तुम अपना स्पीकर चुन लेना, हो गई खत्म कहानी। और जैसे स्पीकर चुना, ये कहते हैं अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, हम और तुम में से ही लाया गया है उतनी देर के लिए, और सीनियर मोस्ट को बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा हाँ कह सकती हो, क्लियर है? अपन कहते स्पीकर पे थे, स्पीकर हो गया इलेक्ट, अब स्पीकर को कौन शपथ दिलाएगा? हाँ स्पीकर को, वही उसको कौन शपथ दिलाएगा स्पीकर को? प्रोटेम तो जैसे स्पीकर का चुनाव हो गया, हमने कहा तुम स्पीकर बन गए, तुम खत्म, ऑटोमेटिकली तुम खत्म हो गए प्रोटेम स्पीकर से, अब इसको शपथ कौन दिलवाएगा? कोई दिलवाता ही नहीं, शपथ ही नहीं होती बेटा स्पीकर की, वो तो एक पद है ना, और वो पद कैसे है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ तो तुम ले ही चुके हो, बस स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती, स्पीकर कोई वो तो नहीं लेता, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ है वही स्पीकर की शपथ, कोई नहीं दिलवाता राष्ट्रपति को स्पीकर को शपथ। और एक सेशन होता है पार्लियामेंट में, लेम डक सेशन, लेम डक सेशन मतलब पुरानी बत के आके बैठती है, एक बार देख लेते हैं यार यहाँ यहाँ रहे 5 साल रहे हम, अब पता नहीं कब आने का मौका मिलेगा, फिर तो वो अपना दुख प्रकट करके चले जाते हैं, लेम डक सेशन कहते हैं उसको। फिर आप स्पीकर के रिमूवल की कहानी आई, अब सुनो स्पीकर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो पहले ग्राउंड समझ लो स्पीकर के, या तो स्पीकर रिजाइन कर दे पहला, दूसरा या तो जो स्पीकर है वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति या गवर्नर बन जाए, इसके ऊपर ही बन सकता है, या तो गवर्नर बनेगा, या तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या तो राष्ट्रपति बनेगा, या प्रेसिडेंट बनेगा, अब इनमें से चार में से कुछ बन जाता है तो उसका पद खाली हो जाएगा, तो एक पोस्ट खाली हो गई। तीसरा या तो उसके खिलाफ महाभियोग चल जाए, मतलब या तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो जाए, रेजोल्यूशन ला रहा है इनको हटाओ, लेकिन रेजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन पहले बताया जाएगा स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब आज से 14 दिन बाद आपके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होने वाली हैं। अब ये बताया इसलिए जाता है कि अगर आप, और भारत में क्या है ब्यूरोक्रेसी में बेटा अपने यहाँ झंझट नहीं होती, ऐसा नहीं सुनोगे कभी कि प्रधानमंत्री लड़ रहा है राष्ट्रपति से, लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट, बहुत सम्मान से रहते हैं हम लोग। देखा ये शो करता है तुम्हारी डेमोक्रेसी को कि तुम्हारी कंट्री कितनी स्टेबल है, बिकॉज दिस इज द डेकोरम ऑफ द हाउस होता है, इसीलिए 14 दिन का सेशन दी, 14 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आप सोच लो अपने आप से, और सबसे अच्छा तरीका आप अपना इस्तीफा दे जाओ, तो 14 दिन का टाइम का मतलब आत्ममंथन कर लो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफे का मतलब इस्तीफा दे दिया, सदन में जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और वही उसका अध्यक्ष बना रहे, उनके खिलाफ बिल आएगा, बोलेंगे जो अगेंस्ट में, नहीं हम बोलने नहीं देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे खिलाफ ही हम ला रहे हैं और तुम ही जज बन के बैठे हो। तो जब स्पीकर के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी सदन में, तो वो स्पीकर के पद से नहीं रहते हो, वो स्पीकर के पद पे नहीं रहते, लेकिन वो क्या रहेंगे, एक सांसद रहेंगे, ही विल बी ए नॉर्मल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और उस समय अगर कोई बिल आता है तो वो वोट देंगे बिकॉज वो सदस्य हैं संसद के, और अभी उनके खिलाफ जुर्म तो हुआ नहीं, और हो भी गया तो स्पीकर के पद से जाएंगे, सांसद के पद से थोड़ी जाएंगे,
ऐसा थोड़ी है कि संसद भाई तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रहोगे, वो तो रहेंगे तो वोट देते हैं, लेकिन जब तक वो स्पीकर हैं वो अपना वोट नहीं देते। क्यों? वो मेंबर हैं लेकिन स्पीकर बन चुके हैं, वो तो अब वोट नहीं देंगे। कब वोट दे सकता है? या तो टाई हो गया हो, या तो जब उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हो उसके अगेंस्ट में, तो वो नॉर्मल मेंबर है तब वो वोट दे सकते हैं। समझ में आया रिमूवल का तरीका? पक्का प्रेसिडेंट स्पीकर का रिमूवल राज्यसभा नहीं जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का तो कुछ रिलेटेड लेने ही देना नहीं है। जब किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति को चुनने में लेना देना नहीं है, तो उसी व्यक्ति का उसको हटाने में भी कोई लेना देना नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? अब डिप्यूटी स्पीकर कौन चुना जाता बताओ हमको। डिप्टी स्पीकर भी उन्हीं लोगों में से एक को चुन लिया जाता है, डिप्यूटी स्पीकर भी उन्हीं में से एक को चुना जाता है। और ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुमको। जब स्पीकर एब्सेंट होगा तो कौन काम करेगा? डिप्टी स्पीकर। जब डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होगा तो कौन काम करेगा? नहीं, स्पीकर एक कमिटी बना जाता है, कमिटी वर्ड गलत है, पैनल बना जाता है, कुछ लोगों का पैनल। कि हम स्पीकर हैं, सपोज करो यहाँ कोई डिप्यूटी स्पीकर था और हमने कहा एक तुम पांच लोग पैनल रहोगे चेयरपर्सन के, तुम हमारे पैनल रहो। जब मैं एब्सेंट हूँ तो ये बनेगा नॉर्मल है, लेकिन सपोज ही इज ऑल्सो एब्सेंट, डिप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एब्सेंट, तो इसी पैनल में से कोई एक मेंबर स्पीकर के पद पर रहेगा। समझ में आ रहा है? सीनियर मोस्ट सीनियर मोस्ट कुछ नहीं होता, कौन? तुम में से। लेकिन 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 अगर हम और डिप्यूटी स्पीकर की सीट ही खाली है, एब्सेंट और वैकेटिंग सीट्स में डिफरेंस होता है। एब्सेंट मतलब मैं स्पीकर हूं लेकिन अभी मौजूद नहीं हूं, और वैकेटिंग का मतलब कोई स्पीकर ही नहीं है, कोई डिप्यूटी स्पीकर ही नहीं है, तो तुम पांच में से कोई नहीं बन सकता। एब्सेंट है हम, ही इज ऑल्सो एब्सेंट, देन यू कैन। बट इफ आई एम नॉट देयर, मतलब सीट ही खाली है, कोई है ही नहीं स्पीकर, कोई डिप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो तुम में से पांच में से नहीं बनेगा। प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करेंगे फिर वो बनेगा। बहुत बारीक चीज है, यहीं से फंसते हैं क्वेश्चंस। जब एब्सेंट है तो पैनल, और अब ये अभी समझा देते हैं राज्यसभा का भी हम तुमको। राज्यसभा में भी यही होता है, चेयरमैन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, डिप्यूटी चेयरमैन बन जाएंगे, डिप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो पैनल आ जाएगा, वहां भी पैनल होता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का पद भी खाली है, डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, खाली पद है, कोई है ही नहीं डिप्यूटी चेयरमैन, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बताएंगे कि भैया आप चेयरमैन बन जाइए राज्यसभा के, और ऐसी कंडीशन में इलेक्शन करवाए जाएंगे। फिर इलेक्शन तो करवानी पड़ेंगे, दोनों में एब्सेंट और वैकेटिंग में डिफरेंस रखना। चलो इलेक्शन की ओथ हो गई, अब पावर की एक एडजर्नमेंट क्या होता है? स्पीकर बोलेंगे ये जो चल रहा है सदन में, इसको देखते हुए इस सदन की अगली कार्यवाही 15 अगस्त को रखी जाती है, ये एडजर्नमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजर्नमेंट। हम बता के जा रहे हैं कब आना है। और एक होता है एडजर्नमेंट सिनेड आए, हम सिर्फ क्या बोलते हैं, सदन बर्खास्त किया जाता है और हम चले गए, अब हमें बता के नहीं गए कि दोबारा कब आना है, इसके कहते हैं एडजर्नमेंट सिनेड आए। और एक होता है प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, सदन को खत्म कर देना। प्रोरोगेशन क्या होता है, जब हमें लगा कि भैया पांच चीजें डिस्कस करनी थी इस बार इस मानसून सत्र में, अपन ने पांचों चीजों को डिस्कस कर लिया है, अब तो कुछ रहा नहीं है बात करने के लिए, तो प्रोरोगेशन हो जाएगा। और प्रोरोगेशन कौन करेगा? राष्ट्रपति। हम इन्फॉर्म कर देंगे स्पीकर के सब सदन का सब जो भी था हमें बातें चीतें करनी थी सब हो चुकी हैं, नाउ द हाउस इज कंप्लीटली डन, प्रेसिडेंट हैज द राइट टू समन एंड प्रोरोग। राष्ट्रपति ही बोलते हैं कि मानसून सत्र शुरू किया जाए, बोल के चले जाते हैं, फिर अपने काम करता है स्पीकर और लोकसभा। फिर जब लोकसभा से पता चलेगा कि सर इस साल इस समय का काम पूरा हो गया, तो वो बोलेंगे द हाउस इज प्रोरोग्ड। समझ में आ रहा है? अब तो हम स्टार्टिंग से एक बार बताते थे क्या सीन होता है। मानसून आया, राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे कि द हाउस इज समन, समन जारी करा जाता है पुलिस केस में, कि पुलिस ने समन जारी कर दिया मतलब बुला लिया, तो हाउस को बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। हाउस समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। एडजर्नमेंट करने की पावर किसकी है? स्पीकर की है। एडजर्नमेंट अनलिमिटेड टाइम के लिए करने की पावर किसे की है? स्पीकर की है। प्रोरोग कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। समझ में आ रहा है? चार चीजें हैं, शुरू की दो, बीच की दो स्पीकर की, और स्टार्टिंग की दो प्रेसिडेंट की। हाउस प्रेसिडेंट ने क्या बोला? प्रोरोग, मतलब हो गया काम, क्यों लगाएंगे, रुक गया। अगले बार जब फिर बुलाएंगे बजट सेशन तो कौन सम्मान करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और साल का पहल, हर कितने साल होते हैं एक लोकसभा के? पांच साल होते हैं,
जब भी हर साल का पहला, और पहला सत्र कौन सा होता है हर साल का? बजट सेशन होता है, बजट, मॉनसून एंड विंटर। तो जब भी साल में एक साल का सबसे पहला जो हाउस लगेगा तो उसमें हमेशा प्रेसिडेंट आता है और अपना भाषण देता है। क्लियर है? पक्का? हर एक बार, हर साल में एक बार पहला, और पहला तो बजट लगता है, तो बजट सेशन में कौन आता है? राष्ट्रपति। वो अपना बात रख के जाएगा, साल भर क्या सरकार करेगी बताएंगे। फिर उसके बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स आता है, राष्ट्रपति के भाषण के बाद क्या आता है? मोशन ऑफ थैंक्स। उस पर क्या होती है? वोटिंग। और अगर मोशन ऑफ थैंक्स पे वोटिंग मेजॉरिटी में नहीं पड़ी तो मतलब आपके पास मेजॉरिटी ही नहीं है। प्रेसिडेंट के वो जो भाषण पे वोटिंग होती है कि कितने लोग सपोर्ट में हैं, और अगर उसमें चला कि वोटिंग कम पड़ गई, मेजॉरिटी से कम पड़ गई, मतलब आपके पास इतने लोग ही नहीं है संसद में जो चाहिए भाषण देंगे, और उस पर वोटिंग पड़ गई, 272 क्रॉस कर गई, मतलब सरकार के लोग 272 लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, हाउस शुरू हो जाएगा। फिर अगले साल राष्ट्रपति आएंगे, और एक बार और राष्ट्रपति आते हैं संसद के अंदर। वो कब आते हैं? जब पहली लोकसभा लगती है, नई लोकसभा बनती है जब। अब प्रेसिडेंट करता है, एडजन स्पीकर करता है, एडजनमेंट सेनेटा स्पीकर करता है, और प्रोरूग कौन करता है? राष्ट्रपति। एक और पावर है राष्ट्रपति के पास, वो है डिसोल्यूशन की, हाउस को भंग, मतलब दोबारा नहीं आ रहा, ये लोकसभा खत्म, दोबारा चुनाव होंगे, ये भी राष्ट्रपति कर सकता है, और 5 साल के पहले कर सकता है। प्रेसिडेंट कहता करता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे है। काउंसिल ऑफ, आज मोदी जी बोल दें कि माननीय भंग कर दीजिए, प्रेसिडेंट डिसोल्यूट कर देगा। डिसोल्व मतलब घोल दिया, कुछ बचा ही नहीं, ना ही तुम मिनिस्टर, ना ही हम सांसद, कोई कुछ नहीं बचा। कौन सा हाउस? लोकसभा। तो प्रेसिडेंट डिसोल्यूट भी कर सकता है, पावर हो गई, प्रोटेक्शन टू मेंटेन। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अगर स्पीकर के पास इतनी पावर दी गई है तो फिर उसके पास तुम्हें कुछ सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। तो स्पीकर को अपने कार्यकाल, मतलब अपने टर्म की सिक्योरिटी दी गई है कि तुम स्पीकर रहोगे तो 5 साल तक ही रहोगे, अनलेस अनडली तुम्हें हटाया जाए, स्वतंत्र रूप से वो काम कर सकता है व्यक्ति। पूरे हाउस की पावर उसके पास दी गई है। मनी बिल है तो है, तुम अपने लोगों पे भी कंट्रोल कर सकते हो।